इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है पूर्वी, उसका ही यूनिट वन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी दी गई है द रेवन एंड द फॉक्स की। ठीक है, ये रेवन है और इधर फॉक्स दिखाया है। तो सबसे पहले क्या है, एक्टिविटीज़ दी है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो हम इस स्टोरी को रीड करने से पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। वी नो दैट फ्रॉक्स क्रॉक, तो हम जानते हैं कि जो फ्रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, टर्टल, क्रॉक यानी टर्टल। डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक, जो रेवन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, टर्टल करते हैं। ठीक है, ये क्रॉक की ही तरह दिखते हैं, देख लो इस तरह। सेकेंड है यहाँ पर, विच एनिमल इज़ शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज़। अब इस स्टोरीज़ में किसको, किस एनिमल को चलाक दिखाया है, कनिंग यानी चलाक। सर्कल द करेक्ट आंसर, और सर्कल करना है उस करेक्ट आंसर को। टाइगर तो नहीं है, बियर भी नहीं है, तो फॉक्स है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये फॉक्स है, ये रेवन है, रेवन की बीक में क्या है, एक निवाला है। ठीक है, और ये कहाँ पर बैठा हुआ है, ये एक टहनी पर बैठा हुआ है और ये फॉक्स जो है उसको देख रही है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिंब, तो मिस्टर रेवन जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, ऊपर टहनी पर बैठे हुए हैं। पर्च्ड मतलब होता है बैठना, जैसे कि ये इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये मिस्टर रेवन जो है वो टहनी पर बैठे हैं ऊपर। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनार्ड फॉक्स है वो क्या कर रही है, उसको देख रही है ऊपर। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, जो रेवन है उसकी बीक में क्या है, एक बड़ा सा निवाला है। ठीक है, अब मार्शल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, अब जो फॉक्स है वो उसको तो देख ही रही थी। ठीक है, अब जो मार्शल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निवाला। ठीक है, तो अब जो फॉक्स है यानी जो लोमड़ी है, उसको उस निवाले को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, निवाला ढूंढने के लिए उसको दूर जाना पड़ेगा। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, अब जो फॉक्स है वो कहती है बड़े ही एडमायरिंग टोन यानी बड़ी ही प्यारी आवाज़ में, माई वर्ड, मेरे शब्द, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। ठीक है, वो रेवन को चढ़ा रही होती है कि भाई आप जो है बहुत ही सुंदर पक्षी हैं, सच फीदर्स, और आपके जो पंख हैं वो भी बड़े ही सुंदर है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, और यदि आप गाना गाते केवल, और यदि आप केवल गाना गाते, तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो यहाँ के जो पक्षी हैं वो क्या कह, क्या पुकारते आपको, किंग यानी राजा पुकारते। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब जो रेवन था वो लोमड़ी की बात को नहीं समझ पाया और उसकी जो चलाकी है उसमें फंस जाता है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, अब वो ये भी भूल जाता है कि जो उसकी वॉइस है वो क्या है, क्रॉक है। ही ओपन हिज बीक, और वो क्या करता है फिर, अपनी जो चोंच है उसको ओपन कर लेता है। इन हिज फुलिश प्राइड, घमंड में मुक्तापूर्ण अपनी जो चोंच है उसको ओपन कर लेता है। एंड डाउन फेल द मार्शल द फॉक्स हैड आइड, अब जो उसके मुंह में जो निवाला था, मार्शल यानी निवाला था, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, जिस पे किसकी नज़र थी, लोमड़ी की नज़र थी। ठीक है, हा हा लाफ्ड द फॉक्स, अब जो फॉक्स है वो ज़ोर से हंसती है हा हा करके। एंड नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, तो उन सभी स्वीट वर्ड्स को क्या करो, इग्नोर करो, जो तुम्हें क्या कर रहे थे, चमका रहे थे यानी तुम्हें चढ़ा रहे थे। ठीक है, प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, तो फिर वो कहती है मेरे दोस्त
घमंड करना मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। और मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि ये जो शिक्षा है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है, ठीक है। ये जो स्टोरी दी है ये किसने दी है? जिन दे ला फोंटाइन ने, ठीक है। तो ये यहीं ख़त्म होती है।